एम राहुल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीएक्स पावर। आज की वीडियो में मैं एक बार फिर से लाया हूं कि डीएक्स की प्लेट को एसी से बिजली से कैसे चलाएं। बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप पे मुझे कमेंट किया कि हाँ भाई सर, इसको शॉर्टकट में कोई छोटी वीडियो बनाए या आसान तरीका बताएं। तो मैं आज एक बार दोबारा से ये वीडियो लाया हूँ। इसको चलाने के लिए हमें एक 12 वोल्ट की 25 एम्पीयर की ये डीसी सप्लाई है, जो एसी वोल्ट देने पे 12 वोल्ट 25 एम्पीयर का करंट हमें देगी, जो यहाँ पर देंगे हम माइनस का यहाँ पे, प्लस का यहाँ पे, और कुछ भी नहीं करना, चल जाएगी। और दूसरा ऑप्शन ये है ट्रांसफार्मर 30-0-30 का कॉपर में 5 एम्पीयर का हो, और इसके साथ लगेगा एक 35-10 रेक्टिफायर। कई लोग कहते हैं हम ये सीधी तार यहाँ पे लगा दें तो चल जाएगा, मगर ये एसी है और ये डीसी काम नहीं करेगा। कुछ लोगों ने सवाल किया कि हम यहाँ पे लगा देते हैं 1-2-3 इस जगह पे, तो यहाँ पर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेल लगी हुई है, वो शॉर्ट सर्किट का काम करेगी, या तो क्वेल को रिमूव करना पड़ेगा। और बिना छेड़े इसको, बिना कुछ निकाले, हम अगर इसको यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव बना लें और सीधा कैपेसिटर पे दे दें तो अच्छे से वर्क करेगा। और इसको 12 वोल्ट के लिए या तो इस पर अलग से 0-12 की टैपिंग होनी चाहिए जो इसको चला दे, और 0-12 अगर नहीं है इसमें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कोई भी मोबाइल का चार्जर लेना होगा और उसका जो ये अंदर का 5 वोल्ट का ये सिस्टम है ये निकाल लेना है, और ये वाली 7805 पे हमने दे देनी है ताकि चार्ज में लाइट आ जाए और ये सिस्टम हमारा चल जाए। मैं दोनों तरीके से अभी चलाकर दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखो, मैंने यहाँ पे ये एसी की तार लगा दी है जो 230 वोल्ट इसमें जा रहे हैं, और यहाँ से प्लस माइनस का 12 वोल्ट आ रहे हैं, जो सीधे मैंने यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस मैंने ये फ्यूज पे दे दिया है। स्पीकर लेफ्ट वाला यहाँ पे, राइट वाला यहाँ पे, प्लस माइनस स्पीकर का भी देख के लगा दिया मैंने, और यहाँ से जो सप्लाई गई यहाँ से 45-0-45 बनता है और ये सारा सर्किट वर्क करने लग जाता है। एक ऑप्शन तो ये था, इसमें कुछ भी नहीं करना, खाली एक 12 वोल्ट का ये 25 एम्पीयर का कन्वर्टर लगाना है जो लगभग 300 वाट आउटपुट देता है। मैंने इस पे अब 300 वाट का लोड दे रखा है और ये फुल म्यूजिक पे भी, फुल आवाज पे भी कोई हीटिंग प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी टेम्परेचर नहीं आ रहा, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। और दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, वो भी मैं अभी चलाकर दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पे एसी सप्लाई देंगे जो 230 वोल्ट एसी है, और यहाँ से हमारे 30-0-30 निकलेंगे जिसको हमने इन दो पॉइंट पर दिया है, और यहाँ पे प्लस का 40 वोल्ट बनेगा और यहाँ पे माइनस का 40 वोल्ट बनेगा, और ये बीच वाली जो तार है ये ग्राउंड वाली, ये ग्राउंड में सीधी दे दी है हमने, और ये प्लस वाली तार यहाँ पे प्लस में दे दी है, और ये माइनस वाला इधर बनेगा पॉइंट, ये माइनस में दे दिया है। ये 40 प्लस बन गया, ये 40 माइनस बन गया, ये ग्राउंड हो गया। और इस डिस्प्ले को चलाने के लिए हमने मोबाइल का, इस मोबाइल चार्जर का ये बीच वाला सर्किट यूज किया जो 5 वोल्ट की जैक सीधी इस पे दे दी है हमने, और इसको एसी देने के लिए इस पॉइंट से हमने ये सप्लाई दे दी है लीड वाली पॉइंट से, और ये चलने लग गया ये कार। और इसको थोड़ा सा हीटसिंक को इसको हमने यहाँ से अर्थ किया है ताकि हमिंग वगैरह, शोर वगैरह ना आए उसके लिए, और बहुत अच्छे से वर्क करता है, कोई आवाज़ में शोर नहीं है, बिल्कुल अच्छा लोड उठा लेता है 30-0-30, लगभग 40-42 वोल्ट प्लस माइनस बनते हैं इसमें, और अच्छे से काम करता है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई किसी प्रकार की जानकारी चाहिए या कोई और वीडियो के लिए आपको चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट में नीचे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।